से पहले बात करेंगे बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में इंतहाई दिलखराश वाकया हुआ, खारजियों और घुसपैठियों ने मिलकर हमले की साजिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास में खताब किया, कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की में हाल तमाम रुकावटों को दूर करना है। ये तमाम दो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। जो वाकया जो अभी 26 अगस्त को हुआ, इंतहाई दिलखराश वाकया बलूचिस्तान में, इस बात का फैसला करना है कि इंशाल्लाह हम अपनी इज्तमाई बसीरत और कुव्वत इरादी और एक अनवेवरिंग इरादे के साथ हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के फजल करम से फौज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इनकी लीडरशिप में और फेडरल गवर्नमेंट के पूरे तावन के साथ हम इस मरहले को अबूर करेंगे और न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ केपी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सूबा है, उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।